बुआ बबुआ नहीं फिर बनेगी बाबा की सरकार। राजनाथ सिंह जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों से वोट के जरिए बदला लेने का वक्त है। उत्तर प्रदेश में इस बार फिर बुआ और बबुआ की नहीं बाबा की सरकार बनेगी। राजनाथ ने कहा कि हम आंखों में धूल झोंक कर नहीं आंखों में आंख डालकर राजनीति करते हैं। पॉलिटेक्निक मैदान में यात्रा को हरी झंडी दिखाने के पूर्व जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हम झूठ बोलकर नहीं जनता का दिल दिमाग जीत कर राजनीति करते हैं। पूर्व की सरकारों ने नेताओं का विश्वास कम किया, हमने वादे पूरे कर उस विश्वास को लौटाने का काम किया है। उन्होंने कहा, हमने सोमनाथ मंदिर हो या अयोध्या सभी को बनवाने का काम किया। कुछ लोग भाजपा का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जनता जवाब देगी। योगी सरकार ने हर घर तक नल का जल पहुंचाने का काम किया, जबकि सपा ने प्यासा रखा, उन्हें इस पाप की सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी को ऑलराउंडर बताते हुए कहा कि उनकी इन और आउट स्विंगर के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को भी जन उपयोगी बताया। इसके पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी अब बदला हुआ है, ना अवैध खनन वाले हैं ना गुंडा वाले। अखिलेश के बयान पर कहा कि योगी उनके लिए अनुपयोगी है जो गुंडागर्दी चाहते हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि चिलमजीवी कहकर साधुओं का अपमान करने वालों का बुंदेलखंड में पिछली बार जैसा सफाया होगा। सभा को केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, सांसद अनुराग शर्मा ने भी संबोधित किया। संचालन यात्रा प्रभारी बाबूराम निषाद ने किया। सभा को इन्होंने भी किया संबोधित। जनसभा को संबोधित करते हुए सदर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि भाजपा ने दिखा दिया है कि जो कहती है करते भी हैं। प्रदेश की जनता दूसरी सरकारों और भाजपा का फर्क महसूस कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में पूरी दुनिया बदलते भारत और बदलते उप्र की तस्वीर देख चुकी है। वहीं बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा ने कहा कि योगी राज में गुंडों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है, साथ ही विकास की गंगा भी बह रही है। गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि आज प्रदेश का किसान और जवान खुश है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे, अभिषेक भार्गव सहित अन्य नेतागण मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उस समय भी मैं यहाँ पर आया था, दो बार आया था। एक बार उसके पहले उद्घाटन करने के लिए आया था राष्ट्र रक्षा संकल्प पर्व का, दूसरी बार मोदी के जी के साथ आया था, और तीसरी बार पुनः आप सबका दर्शन करने के लिए इस मैदान में आप सब लोगों के सामने में मौजूद। आज हमारी जन विश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है, हमारा यह चरित्र रहा है। अपडेट मीडिया के लिए झांसी से संवाददाता हर्ष शर्मा की रिपोर्ट।